नमस्कार दोस्तों, आज हम आ पहुंचे हैं संगम नगरी प्रयागराज में, जहां शुरू हो गया माघ मेला। तो बस हमने सोचा एक वीडियो माघ मेले में भी होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं सफर। प्रयागराज जंक्शन पहुंच चुके हैं और भीड़ भी काफी ज्यादा है। जंक्शन के बाहर से आपको साधन मिल जाएंगे जो आपको संगम तक ले जाएंगे। चलिए अब चलते हैं संगम की ओर। हम आ पहुंचे हैं माघ मेला। मेला में आए हुए हैं तो कुछ खास बातें भी बताते हुए चलते हैं। इसी के चलते प्रशासन की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। आम श्रद्धालुओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए संगम नोज पर 7 से 8 चेकिंग रूम भी लगा दिए गए हैं। संगम पर 40 से 50 शौचालय भी बनवा दिए गए हैं। मेला प्राधिकरण की ओर से नदी में गहराई कम करने के लिए गहरे पानी में बालू डाली गई है, जिससे नदी के भीतर समतलीकरण का काम पूरा हो सके। बीते कुछ दिनों से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जिसमें कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन ने देश भर में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इसी के चलते माघ मेले में इस बार सभी श्रद्धालुओं के लिए कोरोना टीकाकरण का प्रमाण पत्र जरूरी हो गया है। चलिए अब आपको दिखाते हैं घाट के नज़ारे। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं संगम के विषय में। यह वह स्थान है जहां गंगा का मटमैला पानी यमुना के हरे पानी से मिलता है। यही मिलती है आदर्श माने जाने वाली सरस्वती नदी। वैसे तो यह आदर्श नदी है, पर माना जाता है कि यह भूगर्भ में बहती है। पवित्र संगम पर दूर दूर तक पानी और गीली मिट्टी के तट फैले हुए हैं। नदी के बीचों बीच एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर पुजारी विधि विधान से पूजा अर्चना कराते हैं। धर्मपरायण हिंदू के लिए संगम में एक डुबकी जीवन को पवित्र करने वाली मानी जाती है। अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं बड़े हनुमान मंदिर की ओर और करते हैं बड़े हनुमान के दर्शन।
हनुमान जी का यह प्राचीन मंदिर त्रिवेणी संगम के निकट किला के किनारे स्थित है। इस मंदिर में हनुमान जी की दक्षिणाभिमुखी विशाल मूर्ति है जो 6-7 फुट नीचे है। मूर्ति का सिर उत्तर और पैर दक्षिण दिशा में है। इसे बड़े हनुमान जी, किला के हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी भी कहा जाता है। यहाँ मंगलवार और शनिवार को श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। भक्त दर्शन पूजन कर निशान चढ़ाते हैं और हनुमान जी से मनोकामना करते हैं। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।